मोहम्मद ताहिर, माननीय मोहम्मद ताहिर, धन्यवाद प्रस्ताव पर। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अध्यक्ष महोदय आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। सर, हमारे सुल्तानपुर जिले में मैं 187 विधानसभा इसौली से चुनकर आया हूँ। वहाँ के हालात बहुत खराब है, वहाँ के लोग ज्यादातर बीमार है, बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। एक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल स्पेशल जगदीशपुर विधानसभा पड़ती बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, वो फैक्ट्रियां गोमती नदी को प्रदूषित करती हैं, जो हमारी विधानसभा सुल्तानपुर के इसौली, हमारे इसौली विधानसभा 187 से होकर जो गोमती नदी बहती है तो शुरू से लेकर अंत तक हमारी विधानसभा को चीरती हुई जाती है। सर, एक तो अशरफपुर में वहां पे पुल बनना बहुत जरूरी है और वो प्रदूषित नदी हो गई है, उसको सर बहुत ही गंदी होने की वजह से जो लोग नीचे का जो पानी ऊपर की जो गांव है ज्यादातर तो वहां पर कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। हमने दशक मंत्री को लेटर भी लिख के दिया है, 17 ऐसे गांव को चिन्हित किया है बड़े ग्राम सभाओं को, जिसको जिसके पानी बहुत ज्यादा खराब है गांव के, उसको बेहतर किया जाए ताकि कम से कम वो कुपोषण के शिकार न हो और कैंसर से बचाया जा सके उनको। और इसी तरीके सर, मुसाफिर खाना से देवरा एक रोड पड़ती है जो बहुत ही खराब है, बहुत बड़ी घटनाएं बराबर हो रही हैं, जो हमारे अमेठी विधानसभा गौरीगंज के जनाब राकेश प्रताप सिंह यहाँ बैठे हुए हैं माननीय विधायक, इनका भी क्षेत्र पड़ता है। और सर, उसके हालात ये है कि गड्ढे में सड़क नहीं है बल्कि सड़क में गड्ढा, बहुत बड़े बड़े गड्ढे और पूरी सड़क जो है खराब हो चुकी है। इसी तरीके से सर, अलीगंज से लेकर के और परवार की रोड, वो भी बहुत ही खराब, बहुत ही दयनीय स्थिति है सर। और इसी तरह से सैकड़ों सड़कें ऐसी हैं जिनके हालात 10 से बदतर है। सर, मैं चाहूंगा सरकार का ध्यान आकर्षित कराऊंगा कि सर उसको जल्द से जल्द एक बड़ा पैकेज और डेलीगेशन भेज करके चेक कराया जाए सर, और उसको जल्द से जल्द बेहतर किया जाए। मेरी आपसे गुजारिश है सर कि मैं अपनी बात को संबद्ध करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से और माननीय लालजी वर्मा जी से, माननीय अभेद प्रसाद जी से और माननीय अपने अभय सिंह भाई के से, माननीय सना बहादुर जी से, संग्राम भाई यादव जी के से संबद्ध करते हुए मैं बहुत सारे अपने जो है साथियों से जो हमारे समाजवादी पार्टी के बोले हैं उनसे अपनी बातों को संबद्ध करते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर कि नहरों के हालात भी बहुत खराब है, टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, हेड से आता है तो बीच में रुक जाता है, उससे क्या होता है किसान जो है वो अपनी फसलों की को सींच नहीं पाता, उससे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरीके से स्वास्थ्य के हालात भी बहुत खराब है, जितने सीएससी सेंटर बने हुए हैं उसमें डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की बहुत बड़ी कमी है। अभी से हमारे यहाँ सुल्तानपुर जिले में एक कादीपुर विधानसभा पड़ती, वहां की एक बहन थी कादीपुर वाले की, वो गए थे अंबेडकर नगर और वहां पर न्यूरोलॉजिस्ट की इतनी बड़ी दिक्कत है कि कोई डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है अंबेडकर नगर। तो मैं हमारे दोस्त बैठे हुए हैं कादीपुर के विधायक, मैं उनका भी ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उसकी मदद होनी चाहिए, उसके उसके हॉटलाइन की हालत बड़ी सीरियस है जो है और वर्मा समाज की है, उसकी मदद होनी चाहिए। तो मैं आपसे सर रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, पूर्वांचल एक्सप्रेस जब बना तो पूर्वांचल एक्सप्रेस जब बना तो हमारे यहाँ बंदीराज तहसील पड़ती है, बंदीराज तहसील में कट नहीं हुआ, कट न होने की वजह से बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ कि वहां कट बनाया जाए ताकि बहुत बड़ी जनता है जिसको सामना करना पड़ रहा है, जो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है उससे उसको राहत हो। मेरी एक और रिक्वेस्ट है सर कि सेना का कोटा बढ़ाया जाए, सेना का कोटा उत्तर प्रदेश का बढ़ाया जाए जिससे नौजवानों को वो भी रोटी मिल सके। हमारा कोटा ब्रेक किया गया है कि कोटे को बहाल किया जाए। और सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो 11 लाख रिक्त पद खाली पड़े हुए हैं, इन रिक्त पदों को भी भरा जाए, क्योंकि रिक्त पद अगर भरे जाएंगे तो नौजवानों के चेहरे पर खुशी आएंगी। उत्तर प्रदेश के हालात खराब से खराब।
बेहतर होंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य से लेकर के एजुकेशन से लेकर के हर डिपार्टमेंट में जो भी खाली पड़े हैं उसको भरा जाए। मैं आपकी पार्टी माध्यम से सर मांग करता हूं कि मेरी अपील दरखास्त है भरा जाए ताकि नौजवानों के चेहरे पर खुशी आ सके। मेरी एक गुजारिश है कि हमारे यहां सब स्टेशन नहीं है, दो सब स्टेशन सर जो है भी सब स्टेशन सर बहुत बहुत उनके हालात खराब है। दो सब स्टेशन सर फिलहाल ब्लॉक में बढ़ा दिए जाए माननीय सदस्य, कम से कम तीन सब स्टेशन समाप्त करें कृपया। एक मिनट सर, एपीडीआरपी योजना के अंतर्गत 35 करोड़ रुपए ला करके आप समाप्त करें सर। सर बहुत हालात खराब थे, मैंने स्वर्गीय राजीव गांधी ग्राम वित्तीय योजना के अंतर्गत ला करके मैंने गांव का डेवलप किया, एक एक गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया, सोनी विधानसभा के एक एक गांव में बिजली पहुंचाने किया। मगर सर बहुत सारे तार खराब हो चुके हैं सर, पूरा 2004 से 2009 के बीच खराब हो चुके हैं, उसके सब जगह तार बदले जाए सर। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि जगह तार बदले जाए क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हो रही है। हमारे यहाँ वोल्टेज की प्रॉब्लम है, लो वोल्टेज को दूर किया जाए। बीरेन्द्र सिंह राणा, मैं सरकार से मांग करता हूँ। धन्यवाद सर। माननीय बीरेन्द्र सिंह राणा जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं